डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी, रॉयल कालिंदी हॉस्पिटल जसोला, दिल्ली से बोल रहा हूँ। इस वक्त हमारे पास ये मोहम्मद शफीक साहब आए हुए हैं मालियर कोटला पंजाब से। इनको 2015 से क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी था और उस वक्त था इनका वायरल लोड था SCV RNA ये था 453,186 और इस वक्त है इन्होंने रिपोर्ट कराई है ये 23/5/2021 की टारगेट नॉट डिडक्टेड। तो एक तो SCV RNA नॉट डिडक्टेड हो गया है, नंबर एक। नंबर दो, इनका LFT था। LFT पहले इनका बढ़ा हुआ था, SGOT SGPT बढ़ा हुआ था, पहले SGPT 92 था, अब 65 है। पहले SGOT 66 था, अब 48 है। तो पहले से HCV RNA भी नॉट डिटेक्टेड हो गया। नंबर दो, लीवर फंक्शन नॉर्मल हो गया, थोड़ा सा SGPT बढ़ा हुआ है, बाकी जो एंजाइम्स थे वो नॉर्मल हो गए। और तीसरा इनका अल्ट्रासाउंड था। अल्ट्रासाउंड इनके तीन थे, एक तो 11 फरवरी 2022 का था, इसमें इनलार्ज लीवर इनलार्ज इन साइज था 16.65 सेंटीमीटर का, और इनके राइट किडनी में स्टोन था। और इसके बाद जो है इनका 19/10/2022 का अल्ट्रासाउंड है, 21/5/2022 का अल्ट्रासाउंड है, उसमें जो है ना लीवर पेनिकाइमा डिजीज, और इनका उसमें भी जो है राइट किडनी में ये स्टोन था 3.2 mm का। लेकिन अब जब इन्होंने टेस्ट कराया, ये है 12/10/2022 का, तो लीवर पेनिकाइमा डिजीज तो है लेकिन राइट किडनी का जो स्टोन है बिल्कुल ख़त्म हो गई। देखिए ये राइट किडनी है, इसमें स्टोन नहीं है। इसका फोटो दूसरे उससे ले लो, आपको ये अटैच कर देना। हो जाएगा, तो ये है यूनानी दवाओं का इफेक्ट ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी विद जॉइंट हेपेटाइटिस और विद राइट रीनल कैलकुलस। अब ये हमारे शफीक साहब आपको खुद बताएंगे कि इन्होंने जब से यूनानी ट्रीटमेंट लेना शुरू किया इनको क्या आराम महसूस हुआ। अब आप बताइए क्या आपको आराम महसूस हुआ? जब से मैंने ये दवाई शुरू की है तब से मेरे को काफ़ी आराम लगा है, और जो पोटेंस ही पहले नॉर्मल नहीं थी, अभी नॉर्मल हो गई है सारी। अल्लाह का शुक्र है, पहले से मैं सही हूँ। इससे पहले भी कभी आपने यूनानी ट्रीटमेंट लिया था? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं लिया। घर में रखी हुई था लेकिन बाहर से जैसे आपसे दवाई कराया ऐसे कहीं नहीं लिया। एक्चुअली क्या है कि आज हमारी सोसाइटी में, आम शहरों में, ये जगहों में यूनानी ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल है, जिसकी वजह से उसका लोगों को फ़ायदा भी मालूम नहीं है। जब लेते हैं तब फ़ायदा मालूम होता है कि ये होलिस्टिक अप्रोच है यूनानी ट्रीटमेंट की, जिसके अंदर से जो कॉजेटिव जो मटेरियल है, जो मर्ज पैदा करने का है, उसको बदन में पेशाब और पखाने के ज़रिए से बाहर निकाला जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ फिर हल्कापन महसूस करता है, ज़हनी तौर से भी, जिस्मानी तौर से भी उसको एक वेलबींग मालूम होती है, और लीवर फंक्शन और किडनी फंक्शन अल्ट्रासाउंड वगैरह भी जैसे आपने देखा वो नॉर्मल। तीसरा इनका चौथा KPA भी है। इनका KPA 10.5 था और 5 महीने इलाज करने के बाद भी KPA तो अभी भी 10.5 है, लेकिन नहीं बढ़ा। जबकि आपको मालूम है कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी में अगर एक दफ़ा ये शुरू हो जाता है KPA, तो ये बढ़ना शुरू हो जाता है 10, 20, 30, 40, 50, और फिर इसके अंदर जो है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कैंसर डेवलप हो जाता है। शायद आपको बताया भी होगा कि इसकी वजह से कैंसर डेवलप हो जाता, लेकिन ये मालिक का शुक्र है कि अब वो बिल्कुल बचे हुए हैं और लीवर फंक्शन नॉर्मल हो गया है। हीमोग्लोबिन इस वक्त इनका 14 है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। अगर लीवर काम नहीं करता तो वो इनके खून भी नहीं बढ़ता, खून भी नहीं, तो खून बढ़ना इस बात की पहचान है कि लीवर सही काम कर रहा है। तो अगर आपको ये पसंद आया
तो आप दूसरे लोगों को बता सकते हैं कि इसका एक यूनानी ट्रीटमेंट भी है जिसमें कम पैसों में और अच्छा इलाज हो सकता है। थैंक यू सो मच सर।